हेलो गाइस, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जे आर स्ट्रीम में का फिर से स्वागत है। सभी को पहले बड़ों को प्रणाम। सब कैसे होंगे? सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं सबसे खतरनाक लोकेशन पर। बताया जाता है मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ना, यहां पर 10 से 11 यूट्यूबर आके वीडियो बना के गए ओनली फॉर, क्या टाइटल लिखा, भूतिया लड़की का घर। ये वो घर है, बताया जाता है भूतिया लड़की यहाँ पर रहती है और मैं भी आ चुका हूँ यहाँ पर इस लोकेशन को बीट करने के लिए। मेरे को किसी ने ये इंस्टाग्राम पर इस लोकेशन का मुझे बताया, तो मैं आ चुका हूँ इस लोकेशन पर देखने सच में ऐसा कुछ है या नहीं है। इसी घर के अंदर वो बताया जाती है भूतिया लड़की दिखाई देती है, कभी छत पर कभी कहाँ। और आप देख सकते हो कितने साल ये पुराना मकान है। और आपको मैं सारी जगह से कवर कराता हूँ। आप देख सकते हो कितना साल ये पुराना मकान है और कितनी जंग लग चुकी है गेटों को भी। ये अंदर कोई है गाइस? पूरा खंडर पड़ा है। कौन है? आवाज आई अंदर से ना। कौन है अंदर से आवाज आई? इसी के अंदर कभी यहाँ कभी यहाँ, अभी तक हमें ऐसी कोई चीज भूतिया लड़की नहीं दिखाई दी है। 12:01 पर इस लोकेशन पर मैं विजिट कर रहा हूँ। यहाँ कोई है? मेरी आवाज सुन सकता है? अब जो भी हो, हम आपको कोई तकलीफ पहुंचाने नहीं आए। आप यहाँ पर क्यों भटकते हो गाइस? कई बड़े बड़े यूट्यूबर, बहुत बड़े, और मैं हैरान हो चुका हूँ गाइस इस लोकेशन को ढूंढने में। मेरे को कितनों जनों ने मदद की है। 5-10 जनों को कहा था मैंने मेरे को ये लोकेशन चाहिए और मुझे ये लोकेशन मिली है अब जाके। और ये लोकेशन ओनली फॉर भूतिया लड़की के नाम से लोग वीडियो बना रहे हैं इस पर, और अभी तक मुझे कोई चीज़ नहीं दिखाई। और मैंने गांव वाले से पूछा ये क्या चीज़ है, और इसका मैं क्लियर करके जाऊंगा, आपको बता के भी जाऊंगा ये क्या चीज़ है। आप देख सकते हो कितने साल पुराना ये मकान। भाई थोड़ी देर ध्यान रखना, कोई बिच्छू वगैरह सांप वगैरह। कौन है? कौन है? कौन है? गेटों के ताले लग रहे हैं गाइस, अंदर से आवाज आई थी। देखो गाइस हाथों के निशान, मतलब भी इसका मतलब यहाँ पर वो चीज़ है
और गाइस मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही, अभी तक ऊपर भी देख रहा हूँ, सारी तरफ मैं देख रहा हूँ, और कैमरा मैन को भी कह रहा हूँ कैमरा मैन भाई चारों ओर कैमरा घुमा के देख कोई चीज ऐसी कैप्चर हो जाए यहाँ पर है या नहीं है, और मैं खुद घूम के देख रहा हूँ अभी तक मुझे यहाँ पर कोई भी चीज नहीं दिखाई दी, और मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, बादल भाई बहुत पूरी दीवार को गाइस मैंने देखा था कुछ चीज ऐसी व्हाइट कलर की चीज थी वो इसको यहाँ से घेरा था, और मैं कहूँ मैं तो भाई थोड़ा इधर से आके देख लेते हैं यहाँ पर कोई है या नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, तो फिर ये दीवार केरी किसने, इसका मतलब यहाँ पर वो चीज है बट वो चीज दिखाई नहीं दे रही, तो फिर इसका मतलब वो लोग यूट्यूबर जितने बड़े ये आए थे ये इनकी ये आदमी होंगे टाइम से आके यहाँ पर वीडियो बना के चले गए होंगे और दिखा दिया होगा, उस रियल की घटना यहाँ पर मेरे को दिखाई नहीं दे रही, बस हल्की चीज वो कैप्चर हुई थी वाइट सी कलर की जो उसने घेरा था, या कोई परछाई थी या कहीं बैठ, अभी तक कसम से कह रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बस इसके सिवा जब इसने ये चीज़ इंटे घेरी थी ना बस वो चीज़ हल्की सी मुझे नोटिस हुई थी, वाइट सी चीज़ थी हल्की सी, बस यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई है तो मेरे सामने आ जाओ, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, एक बार फिर से मैं गाइस इस बिल्डिंग के अंदर आ चुका हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ, आप यहाँ पर क्यों बैठते हो, आपके साथ क्या हुआ है मुझे बता सकते हो, गाइस अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई दी, ना कोई रिप्लाई आ रहा है किसी टाइप का, ऐसे लग रहा है अभी कोई हमारे पास से निकला है, साउंड की आवाज आ रही है, क्या हो गई गाइज, कोई भी यहाँ चीज होगी वो हमारे पर हैवी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे गुरु जी ने ये चीज दी है, और गाइज ये सोच रहे होगा पत्थर कैसे आया, तो मेरे कैमरा मैन ने ऐसे किया था तो ऐसे आया था, क्योंकि मैं सब तरफ ध्यान रखता हूँ कोई ऐसी चीज छूटे ना, जो रियलिटी है मैं तो वो दिखाता हूँ, जो फेक बनाते हैं वीडियो उसका मैं क्लियर करता हूँ, और अभी तक मुझे कोई भी चीज नहीं दिखाई दी, और कैमरा मैन को एक बार हो कहते हैं अपने भाई एक बार फिर से राउंड लगा लेते हैं कोई चीज कैप्चर हो जाए, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और बादल भाई बहुत ज्यादा है, और मौसम में आज लिखा हुआ है बरसात होने का, शायद तक आज बरसात भी हो सकती है, और आप देख सकते हो आसपास में मतलब बहुत टाइप से बदबू आ रही है, और आजकल आपको पता है मौसम ठंडे मौसम में सांप वगैरह बिच्छू वगैरह बाहर निकलते हैं, भाई कहीं होटल वगैरह में जाओ भाई अपनी सेफ्टी से जाओ यार, आप सोच सकते हो ये पिलर कितना पुराना हो चुका है, देखो तरेड़े आ चुके हैं भाई, पूरी बिल्डिंग तहस महस है, गेटों के जंग लग रहे हैं, दिमक खिला रही है, कीड़ियाँ पक्की चल रही है, मतलब ही मेरे को लग रहा है कुछ भी नहीं है, ये यूट्यूबर जितनी भी आए थे आपके ही आदमी लेके आए होंगे, इन्होंने मना दिया होगा कोई ड्रेस पहना के वाइट कपड़ों में, और कहते हैं भूतिया लड़की, और गाइस ये वही लोकेशन है, मुझे अभी तक कोई भूतिया लड़की नहीं दिखाई दी, बस वो कोई बहुत एडिट हुई थी, बस थोड़ी सी हल्की सी वो चीज़ कैप्चर हुई थी, बट मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई ना वो चीज़ कैमरे में कैप्चर हुई, और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इसका मैं क्लियर करूँ, और मेरे भाई को और जो जितने मेरे साथ यूट्यूबर में काम करते हैं मैं उनको कहूँ सभी टीम वर्क आके यहाँ पर विजिट करें, और पता चले इस लोकेशन पर जितने भी यूट्यूबर आए हैं हम क्लियर कर पाएँ,
और मैं अब चलना चाहिए।